सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दिल्ली और गुड़गांव का तो इतना बुरा हाल हो रहा है यार कि अभी आग बरस रही है। मैं दिखाता हूँ इस वक्त अभी क्या टाइम हो रहा है और अभी क्या टेम्परेचर हो रहा है यार। तो देख रहे भाई अभी हो रहे हैं 11:30 और इस वक्त टेम्परेचर आ रहा है 41 डिग्रीज। 15 मिनट पहले मैंने ये टेम्परेचर चेक किया था तब था 40 डिग्रीज। मतलब हर 15 मिनट आधे घंटे में जैसे से अभी 2 बजेंगे एक्सट्रीम जाएगा 44-45 डिग्रीज तक। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा बाहर निकलें काम पे जाएं क्या करें। इतनी भयंकर लू चल रही है भाई। अब तो यही प्रार्थना हो रही है कि यार कि बस अब बारिश बारिश हो और मौसम ठंडा हो यार। तो आज देखते हैं घर पे रहते हैं और शाम को अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाना है तो आज क्या कार्रवाई बनती है और आज हम क्या क्या करने वाले हैं। लेट्स इन्जॉय स्टेइंग बैक एट होम। भाई बहुत बुरा हाल है यार भट्टी बने पड़े यार भट्टी बिल्कुल। देखो मेरे को पसीने यार पसीने आने शुरू हो गए यार। क्या बोलोगे यार इस गर्मी का यार कुछ नहीं कर सकते यार। गर्मी में तो यार आप अगर कहीं निकलने की सोच रहे हो तो थोड़ा मौसम ठंडा होने पे शाम के टाइम ही बनेगा। तो शाम को जहाँ हम जा रहे हैं थोड़ी सी तैयारी अगलों ने भी कुछ तैयार कर रखा है वहाँ पे मामला डिनर शिनर का। तो मैंने कहा यार हम भी थोड़ा सा तैयार करके लेके चलते हैं। सो हमारी तरफ एक छोटी सी स्वीट डिश है दिखाते हैं आपको हमने क्या बनाया। भाई पूरी आग बरस रही किचन में भी और पूरे घर में पूरी आग बरस रही है। हम लोग सिर्फ अपने एक कमरे के अंदर कन्फाइंड है एसी चल रहा है। भाई कहीं पे भी कितने भी एसी चला लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनली हमने जो तैयारी की है शाम के लिए वो है वी हैव मेड रोज़ खीर। तो यार मज़ा आएगा भाई के साथ बैठेंगे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे 4-5 घंटे तो थोड़ी सी मोनोटनी टूटेगी यार। तो चलो भाइयों शाम की तैयारी करते हैं। भाई साहब अभी अभी मौसम ने करवट बदली है आप देख रहे हो ये शुरू हो गई है बारिश। थोड़ी सी हवा में गर्माहट कम हुई है ये देखो भाई साहब टप 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 हो रही है बारिश शुरू हो रही है। सॉलिड बारिश शुरू हो गई। अच्छा यार अब मौसम चेंज होगा हवा भी चल रही है काफ़ी तेज। ये बात भाई साहब बड़ी तगड़ी बारिश शुरू हो गई है तगड़ी बारिश। बच्चे आ रहे नीचे खेलने तो देखो बच्चे भी आने शुरू हो गए नीचे खेलने देख रहे हो क्या बात है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं नीचे। भाई साहब जबरदस्त बारिश। चलो भाई देखते हैं कि अभी ठीक 5 मिनट हुए हैं बारिश में कितना फर्क आया है। ये हमारे कबूतर साहब बैठे हुए बहुत गंद फैलाया इन्होंने इन्होंने पूरी पिकनिक मना रखी है यहाँ पे। ये उड़ गया अभी भी हो रही है पर बहुत हल्की हल्की। और अभी देखते हैं कि टेम्परेचर में क्या फ़र्क आया है। टेम्परेचर भाई 43 ही दिखा रहा है 3:11। तो ये हाल है हल्की 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 बूंदाबारी पर वो जो सेक था ना जो टेम्परेचर था वो अभी नहीं है। तो चलो भाई थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर कैप्चर करते हैं क्या चल रहा है। तो भाई बिफोर लिविंग अपन एक चाय बना रहे हैं और एक छोटी छोटी लिटिल लिटिल चाय पी के चलेंगे क्योंकि चाय भाई हमें अपने घर की बहुत पसंद है। तो शुरू करते हैं चाय बनाने का प्रोग्राम। तो भाई अपनी चाय भी नियरली बन गई है और इसको एक उबाला दे देंगे और फिर मामला सेट है यार। ये हो रही अपनी चाय रेडी एक उबाला एंड द गेम इज डन 7 ईयर स्ट्रॉन्ग।
लो जी आपकी स्ट्रॉन्ग चाय रेडी। तो भाई चाय को अब हम डाल रहे हैं अपने ग्लास में, कप्स में, और देयर इट इज। थोड़ी थोड़ी पीनी है, ज्यादा पीनी नहीं हमने। सो भाइयो हियर वी गो, टी रेडी। चलो अब चला जाए। और ये लो जी लाइट्स ऑफ कर देते हैं पहले यार, है ना। ये हमने लाइट ऑफ की। और बिफोर गोइंग लीविंग 10 मिनट्स। तो भाई अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये वाली। अरे आज गाड़ी वाला साफ नहीं कर गया ना गाड़ी। अच्छा हाँ, यू वेंट टू द जिम राइट? ओके ओके ठीक है भाई। चलो बारिश में गाड़ी हो गई है गंदी, एक खोलो गाड़ी को और अंदर बैठा जाए। तो भाई निकल पड़े हैं और 7:42 और टेम्परेचर हो रहा है 36 degrees। तो भाई 34 डिग्री पे आ गया यार, 34-36 हो गया है। बहुत मेजर ड्रॉप हुआ है बारिश के बाद, इट्स अ गुड साइन। और अंधेरा भी हो गया यार, बस पहुंचने वाले हैं, चलो चलते हैं। आज की डेट में आप दिल्ली NCR में कहीं भी निकल जाओ, ट्रैफिक जाम में ना फंसो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये। ट्रैफिक का हाल देखा जाए तो बहुत ही बुरा है भाइयों, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ट्रैफिक की कोई कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। मौसम अच्छा हो गया ना यार। हाँ सही, यस 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 सही, यस। एक तो सैटरडे ऊपर से मौसम बढ़िया हो गया तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके बाहर आ गए। तो भाई गाड़ी हमने कर दी है पार्क और अब हम चल पड़े हैं, तो करते हैं पार्टी, इट्स पार्टी टाइम। वो जाना हमने 8th floor पे, वो खड़ा भाई, वो जो लाइट जल रही है सिंगल उस पे खड़ा है। तो भाई अब हम आ गए हैं और सामने है लिफ्ट। तो आ गई लिफ्ट, आ गई बुला ली, 8th पे जाना है हमको। चलो तो भाई हमने 8 नंबर दबा दिया है, 1 फ्लोर 1 आ गया। सब अपना अपना मेकअप करने में रेडी हो रहे हैं। की होलो की होलो, हेलो हाउ आर यू मैन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो भाई जस्ट कम भाई, क्या क्या बना दिया, व्हाट इज दिस अवेक, ये क्या है? इसको बोलते हैं प्याजी, उड़ीसा में। उड़ीसा की है ये? उड़ीसा की प्याजी? हाँ प्याज का ही बना हुआ है ये, प्याज और बेसन का बना हुआ है। अड़ी ये क्या चीज है? चने की दाल का? ओके ओके प्याजी, प्याजी बोलते हैं सर। ओके 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 प्याजी बड़ा यार, बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है भाई। तो पहले बता देना कितना कितना खाना है ताकि हम बाकी का भी हिसाब रखें। अरे हाँ है ना, लास्ट टाइम हम खा नहीं पाए, हजम हजम कर सकते हो तब खाओ। नहीं हमने हो सके उतना खाओ, हमने लास्ट टाइम काफी कुछ मिस कर दिया था। इसको जाता है बहुत टेस्टी बनता है भाई। आई जस्ट हैड दिस, दिस इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। मतलब इसमें है तो फ्राइड बट इतना मुझे लाइट लग रहा है ना, आई डोंट नो व्हाई, हाँ इतना हैवी नहीं लग रहा ना, ऑयली नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? अंदर चने की दाल में। इट्स टू गुड यार, टू गुड। भाई आंटी को इन्होंने, इन्होंने भाई साहब ने आंटी को 3 बजे से इनको किचन में रखा हुआ है। नहीं, हाँ आंटी लास्ट टाइम बोला था कि मैं बनाऊंगी तुम्हारे को, स्पेशली बुलाऊंगी।
थैंक यू। और ये आ गया भाई होम मेड वर्जन मोहितो, अबे आ जाए शेपुरी। तो रितु ये फिर क्या क्या डाल दिया तुमने, क्या क्या है? इनको अंदर दिखा दो क्या क्या है। अच्छा पहले अंदर से चलो, अभी आंटी दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे किचन में और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स देखे जाएंगे। आंटी ये क्या है? दही बड़ा। अच्छा दिस इज दही बड़ा। हाँ। ये दही के अंदर बड़ा है। हाँ। ओके मतलब लिक्विड दही है, छाछ जिसको बोलते हैं। हाँ। वो है। एंड व्हाट इज दिस? ये गुगुनी। गुगुनी बोले तो छोले, सफेद मटर। हाँ, सफेद मटर। ओके ये जो मटके वाले होते हैं वो है ना। यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओ मुझे लगा आपने कोई चिकन की डिश बना रखी है, बढ़िया सी इसे खुशबू अच्छी आ रही है ना। सही है, परफेक्ट। ये तो हमने अभी खाए है ना। ये तो है। ओके आंटी मुझे पीछे भी कुछ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा ये बड़ा ही है, ये सूखे बड़े हैं। और इसका अच्छा ये रहा आलू दम ना। हाँ। ये रहा। चलो आओ फिर, आ जाओ अंदर आओ। सो अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ये है। अच्छा अंदर इसमें प्याज और सेविया नहीं थी जो हमने अभी डाली है ना। हाँ। यार मेरे मुंह में पानी सा क्यों आ रहा है? यम्मी होता है। तो मीनू हाउ आर यू फीलिंग? आ जा यार अभी बैठे। अरे बैठना आ जा। सो भाई ये है अल्टीमेट। दिस इज टू गुड यार। इसको खा के देखें थोड़ा सा। सो भाई दिस इज लाइक रियली माउथ वाटरिंग यार। वाओ टू गुड यार। भाई सॉलिड है, एक नंबर। ये और मिलेगा इसके बाद? मिलेगा जितना चाहिए उतना मिलेगा पक्का ना। ये तो तू आधा छोड़ दे भाई, तू तो खाते रहता है। बढ़िया। आप लोग दिखा दे भाई। अब ये बन रही है देखो, ये अब हम इसको बना रहे हैं। रितु बना रही है अभी ये। अल्टीमेट है यार। और मैंने ये जो छाछ है ना ये मैंने इसमें डलवा दिया भाई। और इसमें ये इनका स्पेशल मसाला है भाई, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये बता नहीं रहे क्या चीज़ है ये। ये है जहर। सुपर्ब यार, सुपर्ब। इसको पूरा मिला के ऐसे, फिर आप इसको, मैं बताता हूँ कैसे खाया जाता है भाई। ये रही वो चीज़, इसको ऐसे खाया जाता है। कौन सा बेटा? ये लो बना लो भाई। ये साउथ का, उड़ीसा का, कटक का, गोलगप्पे का पानी से बन लो अल्टीमेट यार। तो भाई मेरी दो कटोरियां खत्म हो गई, मैं अपनी तीसरी बना रहा हूँ यार। अल्टीमेट है यार ये, खुद बनाऊंगा इस बार मैं। ये है भाई, दिस इज दही बड़ा विद लस्सी छाछ। मैं बताया ना, चम्मच को बाहर निकाल देता हूँ यार, ये बहुत जगह गिर रहा है। तो ये पहले हम इसमें घी भर के छाछ डालेंगे। इंग्रेडिएंट नंबर टू। इसके बाद हम डालेंगे ये मटर। कभी किसी ने देखा है कि ये छोले वाले मटर को दही बल्ले के साथ, ये इसके साथ खाते हुए, और आलू की सब्जी को किसके साथ खाते हुए? आपको दिखाते हैं अभी हम। सी दिस, ये क्या अंदर। थर्ड इंग्रेडिएंट इज दिस। ये भाई स्पेशल हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें थोड़ा कम हम आलू कम मसाला ज़्यादा। ठीक है जी, अब डालेंगे हम इसमें प्याज। प्यार से ये हो गया जी आपका प्याज। अब हम इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। देख रहे हो भाई, किसी को अगर कटक का डेलिकेसी खानी हो तो कॉन्टैक्ट मी, कमेंट में जरूर बताना है किस किस को खाना है, हम आपको होम डिलीवरी करवाएंगे।
ठीक है जी। चलो सो दिस इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। और अगर किसी ने मिर्ची खाने का शौकीन हो तो थोड़ी सी हम मिर्ची भी डाल देते हैं इसमें। कैसा लग रहा है भाई, सही लग रहा है? जस्ट लेट मी हैव अ बाइट एंड लेट मी टेल यू। ऑसम यार, ऑसम। सो भाई फाइनली टू टॉप अप रोज खीर आ गई है भाई, रोज खीर। खीर तो नहीं वो है, फिरनी थोड़ी सी। हाँ अब थोड़ा फिरनी ऐसा हो गया ना ये। हाँ सही है। तो भाई अब हमने डिनर तो कर लिया है और अब इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो चलें आइसक्रीम। चलो लेट्स गो गैलेरिया, उसके बिना अधूरा है ना गैलेरिया। गैलेरिया चलो, हाँ। चलो 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 भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली डिनर। ओके रितु, बाय बाय, एंजॉय योर आइसक्रीम। या ड्राइव सेफ एंड सी यू सून। ओके मिलते हैं परसों भाई। तो भाई इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं आफ्टर ए लवली डिनर विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों बने रहो मेरे चैनल पे विक्रम शर्मा माइस्ट्रो मेमोरीज ऑन यूट्यूब। अंटिल अनलेस नेक्स्ट टाइम, अडियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, हैव अ टाइट स्लीप, गुड नाइट, बाय बाय।